अब स्केच की बात है। स्केच जैसा शुरू करोगे तो एक प्रतिज्ञा या एक निर्णय आपको लेना पड़ेगा, वो है रबर नहीं यूज करेंगे। वो निर्णय रबर नहीं यूज करोगे तो ऑटोमेटिक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे तैरना नहीं आता है, चाहे इतना सीखा तो भी नहीं आता, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस से नहीं काम करोगे, खुद तैरना नहीं सीखोगे तब तक तैरना नहीं आता है। और सब तैरना कब सीखोगे, जब खुद डाई लगाओगे और हाथ हिलाने लगोगे, सामने काटे आ जाओगे, पता है अरे मैं तो ऐसे ड्राइविंग का भी है। ड्राइविंग भी सिखाया जाता है, पर जब कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक वो सीख नहीं सकेंगे। और जब खुद ड्राइविंग करने लगेंगे, ड्राइवर को सूचन भी नहीं करना पड़ेगा, तब आपको अरे ये मैंने ड्राइविंग किया। ऐसा स्केच का है। स्केच आप करो, बहुत स्केच करो, अलग अलग वस्तु का स्केच करो, सब्जेक्ट करना है उसका तो करो, अलावा बहुत सारी चीज़ें जिसका हमारे सब्जेक्ट के साथ जोड़ सकते हैं। सब्जेक्ट एक चीज लोक लायक है, लोक की भावना है। स्केच एक पद्धति से करना पड़ता है। मैं भी स्केच करो, कथा पढ़कर स्केच करो, हमने पूरी जिंदगी एपिक पढ़कर ही काम किया है, पढ़कर ही काम करो, उसमें शब्दों का चित्र बनाओ, फिर चित्र जो बनाना है उसका स्केच आपको आना चाहिए। स्केच नहीं आता तो नहीं हो सकता, स्केच नहीं होता तो नहीं हो सकता। स्केच मेन थिंग है, स्केच बिना कुछ नहीं है। स्केच ही हमारा सब कुछ है, स्केच ही हमारे आर्ट की लैंग्वेज है, स्केच ही हमारा आर्ट का ग्रामर है। स्केच होता तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आज से निर्णय लो, आज से निर्णय लो कि हम स्केच करेंगे, आप स्केच करेंगे, डेली सुबह उठ के एक स्केच करेंगे, एक स्केच करेंगे तो बढ़िया होगा।